अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती की 1984 की बॉक्स ऑफिस फाइट। ये वीडियो थोड़ा हटके है, हर जगह आपको अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती फिल्म का हिट फ्लॉप देखने को मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में आपको परसेंटेज वाइज देखने को मिलेगा, यानी जब शुक्रवार को पहली शो में टिकट खिड़की खुली थी तो कितने परसेंटेज लोग इस फिल्म को देखने आए थे उसका हिसाब देंगे हम आपको। ये अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती की बॉक्स ऑफिस की पांचवी वीडियो है। इससे पहले 1981, 1982 और 1983 ये चार वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोग ने अगर नहीं देखा चैनल में जाकर जल्दी देख लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से फटाफट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा मिथुन चक्रवर्ती और बॉलीवुड से जुड़ी हुई हर तरह की इन्फॉर्मेशन। चलिए बिना देरी के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं मिथुन चक्रवर्ती से। 1984 में मिथुन चक्रवर्ती ने 11 फिल्में रिलीज किए थे। इन 11 फिल्मों से पहली फिल्म रिलीज थी वांटेड। फिल्म ने 70% से ओपनिंग लिया था, यानी शुक्रवार को जब टिकट खिड़की खुली थी तो 70% लोग फिल्म को देखने आए थे। टीना मुनीम थे मिथुन चक्रवर्ती के हीरोइन और ये फिल्म आगे चलकर बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई, खास करके छोटे शहरों में इस फिल्म ने अच्छी कमाई की थी। दूसरी रिलीज फिल्म थी मिथुन चक्रवर्ती की बॉक्सर। 80% से ओपनिंग लिया था इस फिल्म ने। रति अग्निहोत्री थी इस फिल्म की हीरोइन। आगे चलकर बॉक्सर भी एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी। तीसरी रिलीज थी शरारा। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती स्पेशल अपीयरेंस में थे। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस का कोई लेना देना है नहीं। चौथी रिलीज फिल्म थी हंसते खेलते। 70% से ओपनिंग लिया था इस फिल्म ने, यानी जब शुक्रवार शनिवार रविवार को टिकट खिड़की खुली थी 70% लोग इस फिल्म को देखने आए थे। जरीना वाक्त इस फिल्म की हीरोइन और आगे चलकर हंसते खेलते एक फ्लॉप मूवी रिलीज हुई थी। हालांकि ये मूवी पुरानी मूवी थी, 1980 में इस फिल्म का शूटिंग शुरू हो गया, इस फिल्म को फ्लॉप होना ही था। पांचवी रिलीज थी घर एक मंदिर। 80% से ओपनिंग लिया था इस फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती की घर एक मंदिर। रंजीता थी मिथुन चक्रवर्ती की हीरोइन और आगे चलकर ये फिल्म एक हिट साबित हुई थी। 7th highest grosser उस साल की 7th highest grosser फिल्मों में शामिल है घर एक मंदिर। छठी फिल्म रिलीज हुई थी तरकीब। 70% से ओपनिंग लिया था तरकीब ने। रंजीता थी इस फिल्म की हीरोइन। ये भी एक पुरानी फिल्म थी जो 1981 में शुरू हो गया था, लेकिन आगे चलकर तरकीब एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। वे रिलीज फिल्म थी बाजी। 85% ओपनिंग लिया था बाजी। धर्मेंद्र मिथुन चक्रवर्ती का धुआंधार एक्शन वाला फिल्म था। रंजीता थी मिथुन चक्रवर्ती की हीरोइन और आगे चलकर बाजी एक हिट मूवी साबित हुई थी। आठवीं रिलीज थी रक्त बंधन। 70% से ओपनिंग लिया था शुक्रवार को रक्त बंधन ने। रति अग्निहोत्री इस फिल्म की हीरोइन थी, लेकिन आगे चलकर रक्त बंधन एक फ्लॉप मूवी साबित हुई। नौवीं फिल्म थी जाग उठा इंसान। 75% से इस फिल्म ने ओपनिंग लिया था। श्रीदेवी थे मिथुन चक्रवर्ती की हीरोइन। आगे चलकर जाग उठा इंसान एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। दसवीं रिलीज फिल्म थी जागीर। 80% से ओपनिंग लिया था जागीर। मिथुन चक्रवर्ती धर्मेंद्र सैनी की धुआंधार एक्शन की फिल्म थी जागीर। मिथुन चक्रवर्ती की हीरोइन थी शोमा आनंद। आगे चलकर ये फिल्म एक एवरेज फिल्म हुई थी, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। रशिया में 1986 में जागीर रिलीज हुई थी और ये फिल्म रशिया में हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म ने रशिया में 38 मिलियन का कारोबार किया था, यानी 38 मिलियन का कारोबार किया था रशिया में, और जागीर एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। और आखिरी 11वीं रिलीज थी कसम पैदा करने वाले की। 85% से ओपनिंग लिया था कसम पैदा करने वाले की। सलमा आगा मिथुन चक्रवर्ती के ऑपोजिट थी और आगे चलकर कसम पैदा करने वाले की एक हिट मूवी साबित हुई थी। अब
देखते हैं अमिताभ बच्चन का क्या हाल रहा था 1984 में। अमिताभ बच्चन ने सिर्फ दो फिल्म रिलीज की थी 1984 में, क्योंकि अमिताभ बच्चन इसी साल को राजनीति में चले गए थे, यानी पॉलिटिक्स में चले गए थे अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन ने फिल्म छोड़ दी थी 1984 में। तो 1984 का अमिताभ बच्चन की पहली रिलीज फिल्म थी इनकलाब। 80% से इस फिल्म ने ओपनिंग लिया था शुक्रवार को जब टिकट खिड़की खुली थी। श्रीदेवी थे अमिताभ बच्चन की हीरोइन और आगे चलकर इनकलाब एक एवरेज मूवी साबित हुई थी। और दूसरी और आखिरी रिलीज थी शराबी। 85% से ओपनिंग लिया था शुक्रवार को शराबी ने और इसकी हीरोइन थी जया प्रदा। और आगे चलकर शराबी एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी और ये फिल्म उस साल की सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्मों में शामिल है। नशे में कान नहीं है, मुझे बताओ जरा। तो इस साल मिथुन चक्रवर्ती ने 85% से ओपनिंग ली थी। ऐसी तीन फिल्में रिलीज की थी और ऐसी तीन फिल्में थी जो 80% से ज्यादा ओपनिंग लिए थे और ऐसी एक फिल्म थी जो 75% से ज्यादा ओपनिंग ली थी। और वही अमिताभ बच्चन की परसेंटेज वाइज देखें तो एक फिल्म ऐसी थी जो 85% ओपनिंग लिया था यानी शराबी और 80% से ओपनिंग लिया था इनकलाब। अगर टोटल देखे तो मिथुन चक्रवर्ती की 11 मूवी रिलीज हुई थी, उनमें से हिट मूवी थी 3 मूवी, सेमी हिट मूवी थी 2 मूवी और एक फिल्म एवरेज हुई थी और 4 फिल्में फ्लॉप हुई थी। वही अगर अमिताभ बच्चन देखें तो अमिताभ बच्चन की सिर्फ 2 फिल्में रिलीज हुई थी, उनमें से एक फिल्म सुपर हिट साबित हुई थी और एक फिल्म एवरेज साबित हुई थी। तो 1984 में जब अमिताभ बच्चन फिल्म को छोड़कर चले गए थे पॉलिटिक्स में तो जगह खाली था। अमिताभ बच्चन की जगह मिथुन चक्रवर्ती ने बाखूबी से निभाया था और इस साल के बाद मिथुन चक्रवर्ती धीरे धीरे नंबर 1 की पोजीशन को होल्ड किया था करीब 6 सालों तक। तो मिथुन चक्रवर्ती का इस साल का करियर जो था काफी अच्छा था और अमिताभ बच्चन ने राजनीति के चले जाने के कारण सिर्फ 2 फिल्में इस साल रिलीज की, उनमें से शराबी एक बेहतरीन सुपरहिट फिल्म था। ये था अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती 1984 का बॉक्स ऑफिस का आंकड़ा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती की नेक्स्ट पार्ट यानी 1985 रिलीज वीडियो बहुत जल्दी आएगी। आप जल्दी इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आप रहिए सुस्त तंदुरुस्त। टाटा टेक केयर एंड बाय बाय।